नमस्कार, यूवीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूवीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। ब्यावरा जिला राजगढ़ से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। अवैध रूप से क्रूरता पूर्वक गौवंश को भर कर ले जाने वालों के विरुद्ध सारंगपुर पुलिस ने की कार्यवाही। 20 गौवंश एवं 4 पिकअप वाहन कुल कीमती मशरू का 22 लाख रुपए का जब्त कर 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रदीप शर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है कि पशुओं के प्रति मानवीय दृष्टि को रखते हुए पशु क्रूरता करने वाले अपराधियों एवं गौवंश तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रदीप शर्मा जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनकामना प्रसाद जी, SDP सारंगपुर सुशील जोशदास जी के सर मार्गदर्शन नेतृत्व में सारंगपुर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग गौवंश का अवैध परिवहन कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और पुलिस थाना सारंगपुर द्वारा टीम बनाकर दबिश दी गई। बाईपास से 4 पिकअप पकड़ी गई जिनमें प्रत्येक पिकअप में 5-5 लोगों को भरा हुआ था और पूर्णता पूर्वक भरा हुआ था। कुल 4 पिकअप से 20 केड़े जब्त किए गए लेकिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों का तत्व मध्य प्रदेश गोवन कर्मियों की धारा 469 एवं पशु कर्मियों 11 के तहत बंदी होने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व के मार्गदर्शन में सारंगपुर पुलिस द्वारा लगातार दो तस्करों पर कार्रवाई की जाती है।